अरे मोदी जी कितने बेवकूफ हो, इस घोड़ा गाड़ी पे ऑटो रिक्शा क्यों लाद के ले जा रहे हो? अरे क्या हुआ ये बताओ, ये तो चला के ले जाया जाता है, चला के ले जाओ इसे। ये बड़ी अच्छी बात कही है। अरे अखिलेश तुम भी तो बहुत अकलमंद हो, तुम भी गधे को सर पे बैठा के क्यों ले जा रहे हो? क्या हुआ ये तो बताओ। और वही मेरे ऑटो रिक्शा को इस घोड़ा गाड़ी पर लादने की बात इसके मालिक ने इसे इस पर लादा है। ये ऑटो रिक्शा चलने से मना करने लगा, बोला नहीं चलूंगा नहीं चलूंगा नहीं चलूंगा। तो इसके मालिक ने कहा चल कोई बात नहीं, हमेशा तो तू चलता ही है, आज तू थक गया होगा इसीलिए उसने मेरी इस घोड़ा गाड़ी पर लाद दिया और कहा घर छोड़ा इसे। लेकिन तुम इस गधे को क्यों ला दी हो सर पर? अरे मोदी जी मैं कभी भी गधे के साथ अन्याय नहीं करता, समझे, मैं कभी भी इसके साथ अन्याय नहीं करता हूँ। अरे क्या हम ही इसके ऊपर बैठ सकती हैं? ये हमारे ऊपर नहीं बैठ सकता। देखो मैं अपने ससुराल जा रहा था, वो है कम से कम 15 किलोमीटर दूर, इसीलिए 1 किलोमीटर मैं इसके ऊपर चल लेता हूँ, 1 किलोमीटर मैं इसको ऊपर बैठा लेता हूँ, मैं चल लेता हूँ, ऐसी जो सफर कट रहा है। अरे जब मैं इसे 1 किलोमीटर ऊपर लेके चलता हूँ तो मुझे एहसास होता है मैं कितना थक जाता हूँ, तो ऐसी ये गधे को भी एहसास होता होगा जब मैं इसके ऊपर बैठ के चलता हूँ। कितने शानदार विचार रखते हैं। और मोदी जी मैं तुम्हें भी सलाह देता हूँ, इस घोड़ा गाड़ी में कुछ देर घोड़े को चलाया करो और कुछ देर तुम चलाया करो, मिल बांट के काम किया करो।